जम्मू में पीएम मोदी ने रैली कर दी चेतावनी, कहा ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है। हरियाणा में बोले दामाद दलालों का बोलबाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इन तीन परिवारों की राजनीति से त्रस्त हैं। पीएम ने कहा यहां के लोग अब आतंकवाद, अलगाववाद और खून खराबा नहीं चाहते, वो अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य और शांति की राह रखते हैं। यही कारण है कि लोग भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वाले भड़के हुए हैं। इन्हें आपका विकास पसंद नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो फिर वो पुराना सिस्टम लाएंगे, ये फिर वो भेदभाव वाला निजाम लाएंगे, और जिसका सबसे बड़ा शिकार हमारा ये पूरा जम्मू रीजन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन चुनाव के नतीजे आएंगे और इस बार की विजयदशमी पर शुभ शुरुआत होने वाली है। भाइयों और बहनों, 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार। वहीं 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। वहीं हरियाणा में भी कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। हिसार रैली में कहा कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी, इनके राज में दामाद दलालों का होता है बोलबाला। कांग्रेस सिर्फ लूट खसूट ही नहीं करती बल्कि निर्लज्जता से उसका बचाव भी करती है। कांग्रेस के राज में कैसे दलालों और दामाद का ही बोलबाला था, ये मैंने हरियाणा की जनता के सामने रखा। अगर किसी को पछतावा होता, किसी को अगर दो आंख की भी शर्म होती तो वो हरियाणा की जनता से माफी मांगता, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने आपसे माफी नहीं मांगी बल्कि बड़ी बेशर्मी से दलालों और दामाद का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस के इस रवैये से नाराज होकर
अब हरियाणा की जनता कांग्रेस के विरुद्ध खड़ी हो गई है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।